नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो पोवा न्यू वर्सेस इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो पोवा न्यू में 6.74 इंच जबकि नोट 12 प्रो 5G में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि पोवा न्यू से कम है। विड्थ की बात करें तो पोवा न्यू में 3.04 इंच जबकि नोट 12 प्रो 5G में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो पोवा न्यू में 0.36 इंच जबकि नोट 12 प्रो 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो पोवा न्यू में 212 ग्राम जबकि नोट 12 प्रो 5G में 188 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो पोवा न्यू में IPS LCD जबकि नोट 12 प्रो 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो पोवा न्यू में 20:5:9 जबकि नोट 12 प्रो 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो पोवा न्यू में 6.8 इंचेस जबकि नोट 12 प्रो 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन पोवा न्यू में 720x1640 और नोट 12 प्रो 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो पोवा न्यू में 83.16% जबकि नोट 12 प्रो 5G में 85.62% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो पोवा न्यू में 263 पिक्सेल प्रति इंच जबकि नोट 12 प्रो 5G में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो पोवा न्यू में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, सेकंड कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और नोट 12 प्रो 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो पोवा न्यू में पावर GE8320 जबकि नोट 12 प्रो 5G में माली G57MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो पोवा न्यू में मीडियाटेक हीलियो G25 और नोट 12 प्रो 5G में मीडियाटेक डायमेंशिटी 810MT6833 मिलता है। बात करें रैम की तो पोवा न्यू में 6GB जबकि नोट 12 प्रो 5G में 8GB रैम मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो पोवा न्यू में अप टू 512GB जबकि नोट 12 प्रो 5G में अप टू 2TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो पोवा न्यू में एंड्रॉइड V11 जबकि नोट 12 प्रो 5G में एंड्रॉइड V12 देखने को मिलती है। बैटरी पोवा न्यू में 6000mAh जबकि नोट 12 प्रो 5G में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो पोवा न्यू में 3 कलर्स जबकि नोट 12 प्रो 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो पोवा न्यू 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 13,780 रुपीस में मिल जाता है, और बात करें नोट 12 प्रो 5G की तो वो 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो टेक्नो पोवा न्यू में 7 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है,
जबकि बात करें इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में नोट 12 प्रो 5G आगे है, मेन कैमरा में नोट 12 प्रो 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में नोट 12 प्रो 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro है, दूसरा Realme 7 है, तीसरा Realme 7 Pro है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Infinix 08 आई है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।